सो हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अजमेर के वेटिंग वाले कैंडिडेट का, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वेटिंग में थे एएलपी के, उनका मेन पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है उन वेटिंग वाले उन अभ्यर्थियों का जो बहुत दिन से पैनल का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेन लिस्ट में वेटिंग वालों का भी नाम आ चुका है। अब सवाल ये है कि एएलपी में जो वेटिंग वाले कैंडिडेट आए हैं, ठीक है, तो कितनी कितने मतलब कितने मार्क्स तक हुए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है, यूआर के कितने कम हुए, एससी के कितने कम हुए, ओबीसी के कितने कम हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स कम हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनका मार्क्स तो कम हुए हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, ठीक है। ये मैंने आपने पर कैलकुलेशन निकाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये भाई ने कहा है कि हमारा 73.88 से ओबीसी का हुआ है, ठीक है, ये भाई कह रहे हैं कि हुआ है। इसी तरह बहुत सारे अभ्यर्थी, इन्होंने भी कहा है कि दोस्तों मेरा लोको पायलट में आ गया है, 1.28 से वेटिंग क्लियर हुआ एसटी कैटेगरी में। देख सकते हैं इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है, प्रूफ के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं इनको, इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं भाई कैट्स, उसके 0.5 की वेटिंग भी क्लियर हुई है। अब देख सकते हैं 0.5 की क्लियर हुई है, ठीक है, वो भी ओबीसी कैटेगरी से है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भाई ने भी कहा है कि भाई हमारा वेटिंग क्लियर हुआ है 74.11 से हो गया, वो भी इनका जो हुआ है, इनका जो हुआ है वो भी ओबीसी कैटेगरी से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, एक भाई कह रहे हैं कि हमारा वेटिंग क्लियर हुआ है कितने से, 0.58 से इनका वेटिंग क्लियर हुआ है। आप देख सकते हैं सामने है, इन्होंने कह रहे हैं कि इनका 0.5 से वेटिंग क्लियर हुआ है। इसके अलावा और देख लेते हैं, इन भाई कह रहे हैं कि हमारा 76.6 से वेटिंग क्लियर हुआ वो भी ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 70.6 से वेटिंग क्लियर हुआ है। और ये भाई कह रहे हैं कि भाई एक नंबर से ज़्यादा भी वेटिंग क्लियर हुआ इनके फ्रेंड, ठीक, इनके फ्रेंड का वेटिंग क्लियर हुआ है 1.05 से। अब देख सकते हैं एएलपी में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हो जिनका वेटिंग क्लियर हुआ है और मैक्सिमम जो हुआ है 1 मार्क्स तो सबका ही हुआ है, ठीक है, हर कैटेगरी में 1 मार्क्स तक हुआ ही हुआ है, ठीक है। इनका देख लेते हैं कि वेटिंग क्लियर हुआ है मेरा 0.9 इंच, इनका 0.98 से वेटिंग क्लियर हुआ, और कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी इनका ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी से इनका 0.98 से क्लियर हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्टेड हो चुका है यूआर कैटेगरी में, ठीक है, इनका यूआर में हुआ है और इनके मार्क्स इतने हैं, और कितने वेटिंग क्लियर हुआ है तो 0.8 तक। आप देख सकते हैं कि यूआर में भी वेटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है, इस बार में लगभग 0.87 तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये भाई कह रहे हैं कि मेरा भी वेटिंग क्लियर हुआ 0.017 से, ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, इनका ओबीसी में क्लियर हुआ है। ये एक भाई कह रहे हैं कि मेरा दोस्त का 1.8 मार्क्स से वेटिंग क्लियर हुआ एससी कैटेगरी में। आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी का कितने कम हो गया है, 1.8 मार्क्स चला गया है, ठीक है, 1.8 मार्क्स कम हो गया एससी कैटेगरी में, वो भी एएलपी के लिए, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से डिवीज़न में हुआ है, कौन से किस में हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, ठीक है, ये कट ऑफ लिस्ट है, ये WCR का है, ठीक है, उसी तरह NWR का, ये मेन लिस्ट है और स्टैंड बाई लिस्ट, ठीक है। मैंने सारे कट ऑफ यहाँ भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ 79.62 है, और नॉर्थ वेस्ट रेलवे की, वेस्टर्न रेलवे की है, नॉर्थ रेलवे की जो है 77.85, उसी तरह एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, ठीक है। सबका मैंने जो कट ऑफ है ना यहाँ पर साइड में लिख दिया है, विथ WCR का अलग है, NWR का अलग है, उसी तरह स्टैंड बाई का भी मैंने कट ऑफ यहाँ लिख दिया है, ठीक है, WCR का अलग है, ठीक है, और NWR का भी कट ऑफ अलग है, ठीक है। तो ये पहले आप कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। अभी सवाल ये है कि कट ऑफ कितनी कम जो हुई है, तो कट ऑफ कितनी कम हुई है, कितनी कट ऑफ और मतलब डाउन होगा, ये मेन लिस्ट से कट ऑफ तो बढ़ सकती नहीं है, इसका मतलब कट ऑफ डाउन हुई है, क्योंकि वेटिंग वाले कैंडिडेट का भी एलटी में नाम आ चुका है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए देखते हैं, ठीक है, पहला ये देखते हैं हम यूआर की देखते हैं, ठीक है। अब हम मेरा यूआर में देखते हैं, एक यूआर में जो गया है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा कि हमारा 76.98 पे उनका हुआ है, ठीक है, 76.98 पे उनका हुआ है, और कौन सा था, NWR से हुआ है, ठीक है, NWR से हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर NWR की मेन कट ऑफ बात करें तो 77.85 थी, ठीक है, 77.85 थी, और इनका आया 76.98, मतलब 0.87 से कट 0.87 कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है NWR में, यूआर कैटेगरी में 0.87 जो है कट ऑफ डिक्रीज़ हो चुका है एएलपी के लिए। अगर इस स्टूडेंट का इस अगर इससे ज़्यादा मार्क्स है, 76.98 से मार्क्स है,
और फर्स्ट प्रेफरेंस एलपी है फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो अपने बोर्ड में जाके पता करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों अभी तक उनका नाम नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद जो है अब वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली है अजमेर में, ठीक है, बोले बहुत टाइम लगेगा क्लियर होने में। चलिए एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की देखते हैं। तो एसटी में जो है ना, एक भाई ने कहा है कि हमारा मार्क्स 68.25 है, ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा जो वेटिंग 1.18 से क्लियर किया, उन्होंने अपने मार्क्स नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो है 1.18 से उनका जो है वेटिंग क्लियर हुआ है। अगर हम WCR की बात कर लें, ठीक है, तो एसटी में चले जाते हैं, WCR यहाँ पर है तो 69.43 था, अगर हम 1.18 घटा दें तो 68.25 होता है, मतलब 68.25 वाले बंदों का या तो सिलेक्शन हुआ होगा। अगर आप फिर NWR की बात करें तो जिसका कट ऑफ 59.42 था, 1.8 घटा दें तो 58.14 या फिर 58.14 का तक का जितने भी स्टूडेंट थे उनका ALP में सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, या तो 68.25 तक हुआ है या फिर 58.15 तक हुआ, क्योंकि इन्होंने अपना कैटेगरी नहीं बताया, ठीक है, मतलब अपने उन्होंने मार्क्स नहीं बताया, ठीक है। चलिए अब SC की बात कर लेते हैं, SC में जो क्लियर हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं SC में। SC में एक स्टूडेंट ने कहा कि उनका 1.88 मार्क्स तक डिक्रीज हुआ है ALP में, ठीक है। SC के स्टूडेंट ने कहा कि उनका जो मार्क्स आया था 66.97 उनका मार्क्स आया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा 1.8 से हमारा वेटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि या तो फिर WCR में 1.8 से डिक्रीज हुआ होगा या फिर NWR इसमें 1.8 से डिक्रीज होगा, मतलब 1.8 तो डिक्रीज हुआ ही हुआ है, ठीक है, किसी न किसी एक कैटेगरी में। अगर फिर भी आपको डाउट है कि आपका नहीं हुआ तो आप अपने बोर्ड से आके पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनका नाम नहीं आया है, ठीक है। अभी इसकी बात कर ले OBC की, ठीक है, तो OBC में तो समझ लीजिए कि बहुत ही मार्क्स कम हुए हैं। अगर OBC की बात करें WCR, ठीक है, WCR यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा NWR का कि मेरा 73.88 पे हुआ है, ठीक, उन्होंने कहा कि 8 हुआ, NWR ने कहा, तो NWR कट ऑफ देख लेते हैं, NWR कट ऑफ कितनी थी 75.01 और इनकी कितनी पे हुई है 73.88, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ क्लियर है। तो हम बात करें तो मैक्सिमम जो कट ऑफ क्लियर हुई है ना NWR की वो 0.9 जो है वो मैक्सिमम कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, किसकी, OBC की, NWR की बात कर रहा हूँ मैं, NWR की बात कर रहा हूँ, NWR में 0.9 तक 100% श्योर हूँ कि 0.9 तक वेटिंग क्लियर हुई है OBC कैटेगरी में NWR। अगर WCR की बात कर ले तो WCR में आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट ने कहा कि सर मेरा मार्क्स जो है वो 76.6 आया है, उनका मार्क्स 70.6 है। अगर मेन कट ऑफ की बात करें WCR के तो कितने 77.62, अगर इसको आप माइनस करिएगा तो 1.02 होता है, इसका मतलब 1.02 जिनका मार्क्स था वेटिंग में थे, ठीक है, एक से जितने भी नहीं एक से कम वाले बंदे थे, ठीक है, उनका वेटिंग क्लियर हो चुका है। अगर एक से कम मार्क्स मिलते थे WCR में OBC कैटेगरी में उन सब का सिलेक्शन हो चुका है, उसी तरह अगर NWR में जितने भी कैंडिडेट OBC में थे और उनका मार्क्स लेस देन, ठीक है, लेस देन 0.9 था तो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है 100%। अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो बोर्ड जाके पता करेगा क्या दिक्कत है, क्या उनका मेडिकल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, ठीक है, या फिर वो उनको टेक तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ बता दिया ना कि UR में लगभग 0.87 से हुआ है, ठीक है, OBC में NWR में 0.9 से हुआ है, WCR में 1.02 से हुआ है, SC में लगभग 1.8 मार्क्स कम हुए हैं, और अगर बात करें इसकी ST की तो 1.18 मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। इतने इतने स्टूडेंट जितने मैक्सिमम का इतने स्टूडेंट थे इन सबका जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अगर टेंशन ना लीजिए, ये अभी जो वैकेंसी थी इसमें लगभग मैक्सिमम जो सीट है ना ALP की वो फुल फिल हो चुकी है, अब बहुत कमी सीट जो है वो ALP की बची हुई है, ठीक है। अगर किसी को नहीं हुआ है तो जाके पता करें बोर्ड में कि इतना मार्क्स होने के बावजूद भी उनका नहीं हुआ। सो गाइज, ये हमारा आज का वीडियो था जो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था जिन्होंने हमने उनके सवालों का जवाब दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो ALP के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग, सारी अपडेट आपको तुरंत तुरंत सबसे फास्ट मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे।